हलवाई हो, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया जाता है। आप लोग हताहत नहीं हुआ किया गया था सर, पहले मजिस्ट्रेट से और एक लाठी दंगाइयों द्वारा छीन ली गई, इसके बाद भी सर दंगाई नहीं माने, रोज प्रदर्शन किया गया था सर, पहले मजिस्ट्रेट साहब और मेरे बस थोड़ी सी और जोश में कार्रवाई है। टीयर गैस का एक्चुअल प्रयोग किया है और इसके अलावे केन और राइफल पार्टी का प्रयोग किया। आज भोपाल देहात पुलिस द्वारा बैरसिया के बर्री छीरखेड़ा स्टेडियम में विशाल बल्बा ड्रिल का आयोजन किया गया। करते हैं देहात एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा जी से बात की, इसका क्या उद्देश्य और किस लिए ये आयोजन किया गया बताइए। पुलिस में जो बल्बा ड्रिल है वो हम लोग समय समय पर कराते रहते हैं ताकि हमारे लोग जो हैं जो ट्रेनिंग के समय में उनको सिखलाई दी जाती है उसको बार बार रिवाइज करें, जिससे कि वो कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों से चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए तैयार रहे। इसके लिए आज ये बैरसिया में जो स्टेडियम है उसमें एक बल्बा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बैरसिया सब डिवीजन तथा हमारे पुलिस लाइन और मुखेड़ी परवलिया इन थानों का बल यहाँ पे उपस्थित रहा। इन्हें ये ड्रिल के माध्यम से इन्हें फिर से सिखलाई देकर और ये प्रैक्टिस कराई गई है ताकि आने वाले समय में जो हमारा त्यौहार है या उसको लेके अन्य चुनौतियां हैं उसका हम सामना अच्छे तरीके से करते हैं। जो लोग बलवा करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं या समाज में द्वेष फैलाने की वो करते हैं या बलवा करने की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको हमारा संदेश यही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु साथ ही उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसमें ये है कि अगर वो बात रखने के दौरान जो तरीके प्रेस्क्राइब्ड हैं उसी का प्रयोग करें, बाकी कानून को अपने हाथ में न लें ताकि उनकी बात भी पहुंच जाए और अनावश्यक जो एक अप्रिय स्थिति निर्मित होती है वो भी ना। इस ड्रिल में क्या किया गया, कितने फायर किए गए, कितना क्या किया गया बताइए। ये एक मॉक ड्रिल था जिसमें हमने टीयर गैस का एक्चुअल प्रयोग किया है और इसके अलावे केन और राइफल पार्टी का प्रयोग किया, तो राइफल पार्टी के द्वारा वो डमी मतलब अपना एक्शन के थ्रू ही किया गया है, बाकी जो टीयर गैस सेल थे वो हमने यहाँ पे चलाए हैं उसकी प्रैक्टिस।